नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिना मावा के, बिना दूध के, बिना मिल्क पाउडर के, बिना सूजी के, बिना कोकोनट पाउडर के, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट बर्फी, वो भी गेहूं के आटे की दोस्तों। बर्फी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी, सॉफ्ट होगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मिठाई, क्योंकि ये कम खर्चे में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और बिल्कुल वाइट मिठाई होगी हमारे गेहूँ के आटे की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, ये मिठाई मैं गारंटी करती हूँ कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम बनाने के लिए। तो मैंने बनाने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों, गेहूँ का आटा लिया है। तो मैंने गेहूँ का आटा 250 ग्राम लिया है और आटा दोस्तों मैंने जो लिया है वो बिल्कुल जो हमारे रोटियां बनाते हैं वो वाला है गेहूं का आटा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल हम रोटी तैयार करते हैं वो वाला बिल्कुल बारीक गेहूं का आटा है, तो उसी से हम ये बर्फी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसमें हमें घी की कितनी ज़रूरत पड़ती है तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, 250 ग्राम आटे में मैंने 150 ग्राम घी लिया है, देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। तो मैं ये चीज़ें दोनों ही नाप करके ले रही हूँ, तो मैंने ये 150 ग्राम घी लिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम गैस की तरफ बनाने के लिए, और अब इसके ऊपर रखेंगे हम कढ़ाई। तो कढ़ाई को हल्का गर्म करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे। और दोस्तों, ये मैंने लिए चलनी, तो इसमें हम आटे को सबसे पहले छान करके डालेंगे, क्योंकि छानने से आटा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो दोस्तों, ये मोटापन था थोड़ा आटे में, तो ये निकल चुका है छानने से। और दोस्तों, अब इसमें डाल देते हैं हम घी। तो घी मैंने थोड़ा सा इसमें रख लिया है और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, जितना मैंने इसके अंदर घी डाला है। इसको दोस्तों आपको कंटिन्यू इसी टाइप से चलाते भी रहना है, ताकि इसमें एक भी लम्स ना आए और नीचे से नहीं जले। तो दोस्तों, बिल्कुल कम गैस पे हमें सेकना है, तो गैस का फ्लेम मैंने कम कर रखा है बिल्कुल ना के बराबर, ताकि जो हमारा आटा है वो हमें सिर्फ आटे का कच्चापन होता है वही आटे का निकालना है, ताकि कलर हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं तो मिठाई का कलर चेंज हो जाएगा और हमें बिल्कुल वाइट मिठाई चाहिए। तो इसके लिए हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है, क्योंकि बिल्कुल कम गैस पे ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसी टाइप से हमें इसको सेक लेना है। और दोस्तों, बिना मावा की मिठाई और मीठा खाने का सभी का बहुत ही मन करता है, तो आप घर में ही घर की चीज़ों से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बिना मावा की, बिना ज़्यादा खर्चे की मिठाई बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। आप तो इसी टाइप से हम थोड़ी देर के लिए, कढ़ाई हमारी ठंडी हो चुकी है तो रख देते हैं। तो दोस्तों, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं, ताकि थोड़ा गर्म है। क्योंकि गरम में अगर आप शक्कर डालेंगे, मीठा डालेंगे, तो ये पानी छोड़ने का काम कर देगी, तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद में ही डालना है। तो हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का नॉर्मल टेम्परेचर का ये जब हो बैटर हमारा मिठाई का, तब भी हमें इसमें डालना है। तो दोस्तों, मिठाई का बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें हम मीठा डालेंगे और मीठा भी हम छान करके डालेंगे। तो ये मैंने, देख सकते हैं, मीठा लिया है। दोस्तों, मीठा आपके आप स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं मिठाई में। तो इसको छान के ही डालेंगे, ताकि इसमें जो मोटापन होगा चीनी का वो अच्छे से निकल जाएगा। तो ये इतना मोटापन है, तो अब इसको हम निकाल देंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हल्का थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा गर्म में नहीं डाला है। ज़्यादा गर्म में डालते तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाती और पानी छोड़ देती है जो मिठाई है हमारी। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म में ही इसको डाला है, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से हमारी मिठाई मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल भी जैसे ज़्यादा पतली हो जाती है वो बिल्कुल बैटर हमारा नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है जो मिठाई का बैटर बनता है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल कम गर्म में ही डाला है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर डाला है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से हमारी मिठाई मिक्स हो चुकी है। तो अब हम जमाने के लिए लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ट्रे लिए, इसमें मैंने पहले से घी लगा लिया है और बटर पेपर भी मैंने सेट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम जो मिठाई है, मिठाई के बैटर को हम अच्छे से जमा लेंगे और हमारी जो कढ़ाई हल्की सी थोड़ी गर्म है तो इसको थोड़ा पकड़ के ही लेंगे सावधानी से ही, और बैटर को अब इसमें हम डाल के अच्छे से सेट कर लेना है। तो मिठाई को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। चारों साइडों से अच्छे से हम सेट कर लेंगे। बटर पेपर मैंने इसलिए लगाया ताकि ये निकलने में बहुत ईजी तरीके से निकल आएगी, मिठाई हमारी बिल्कुल भी निकलने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने बटर पेपर का यूज किया है। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। आप घी लगा के भी, जो आप किसी भी बर्तन में जमाएंगे तो घी लगा कर भी आप सेट कर सकते हैं मिठाई को। तो हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अब हम सेट करने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए हमारी मिठाई। देखते हैं हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब इसको दोस्तों हम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से निकल चुकी है जो मिठाई है हमारी। तो इस पर हम चांदी का वर्क लगा देते हैं दोस्तों। तो ये मैंने चांदी का वर्क लिया है तो इस पर मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब इसको हम बर्फी शेप में काट लेते हैं। और देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट कट रही है जो हमारी मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। और ये बिल्कुल गेहूं के आटे की मिठाई है दोस्तों। जो साइड की किनारी वो हमें हल्की सी निकाल देनी है ताकि ये परफेक्ट तरीके से आ सके। तो आपको कटने से ही इसका पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है ये मिठाई। तो दोस्तों हमारी ये गेहूं के आटे की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हुई है। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, देख सकते हैं। हमारी ये मिठाई बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।